कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करें अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। जी हां गाइस, जिस चीज का हमें इंतजार था NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति ने 2024 के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए NVS ने बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली केटरिंग सुपरवाइजर, जो केटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट होती है नवोदय विद्यालय समिति में, जिनका काम होता है कि जो मैस हैं नवोदय विद्यालय में उनको हेड करना, उनको संभालना, उनको चलाना। हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें गाइस एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम नवोदय की बात करें, सबको पता है नवोदय विद्यालय समिति एक समिति है ना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रूरल पार्ट्स होते हैं इंडिया के, मैक्सिमम आपको नवोदय विद्यालय वहां पे मिलेंगे। 650 जवाहर नवोदय विद्यालय आज की डेट में आपको इंडिया में मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं केटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट के बारे में, तो इस पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। वैसे बहुत सारी पोस्ट निकाल रखी हैं, हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस कैडर की अलग पोस्ट हैं, JNV की अलग पोस्टेज हैं, है ना, फीमेल स्टाफ नर्स की है, केटरिंग सुपरवाइजर की है, बहुत सारी पोस्ट है। ये जो जो रिक्रूटमेंट नोटिस आप देख रहे हैं अभी, ये नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा केटरिंग सुपरवाइजर की सारी डिटेल, है ना, किस फॉर्म ये, इसमें कितनी सैलरी है, कैसा एग्जाम आएगा, सब कुछ। ओके, तो अब हम मूव करते हैं आगे। 2022 में भी हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और मोर देन 65 स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे बहुत से बच्चों ने हमारे हमारे साथ जुड़ के इस एग्जाम को क्रैक किया था और गवर्नमेंट जॉब पाई थी। ओके, तो ये रहा हमारा केटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट, है ना, नंबर 8 पे आपको ये दिख जाएगा इस लिस्ट में। ओके, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो ये रहा हमारा केटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट, पोस्ट कोड है 808। ओके, तो ये आप इसको ध्यान से देख लेंगे, फॉर्म को ध्यान से भर लेंगे, नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट को लगातार फॉलो करते रहेंगे, जो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती रहेंगी आप उनको फॉलो करते रहेंगे। हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन क्या है केटरिंग सुपरवाइजर नवोदय विद्यालय में बनने के लिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है गाइज, ठीक है। तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसने बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट कर रखी है ना, BSc इन होटल मैनेजमेंट या BHM या BHU, बहुत सारे अलग अलग नाम इसके रहते हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट में अगर आपने डिग्री कर रखी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, है ना, बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो सबसे बड़ी बात, जितने भी IHM के बच्चे हैं, है ना, या यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री करते हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज। आपकी एज 35 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना, और आपकी सैलरी देखिए Level 4 है पे मैट्रिक्स में, मीन्स 25,500 से स्टार्टिंग होने वाली है आपकी। तो DA वगैरह मिला के आपको जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, ये तो बेसिक यहाँ पे बता रखी है ना, आपकी स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। ओके, और बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के सामने आई है। प्लस इसमें एक एलिजिबिलिटी आपकी और दे रखी है कि अगर कोई ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट किसी के पास है ना, विद मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विसेज इन डिफेंस, तो जो डिफेंस वाले लोग हैं, फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, जो वहां से डिफेंस से, जो डिफेंस से रिटायर हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन वाले जो लोग हैं, है ना, वो इस पोस्ट को, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ऑलराइट, तो ये हमने बात कर ली कि इसका पोस्ट कोड क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है एंड किस एज तक इसको भर सकते हैं और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं हम, इसमें बहुत कुछ दे रखा है, इतने बड़े फॉर्म को अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, है ना। आप ये नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन अगर हम केटरिंग सुपरवाइजर की बात करें
तो आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे होने वाला है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना। द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओनली, ओनली लिखा है उन्होंने यहाँ पे। फिर इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिर्फ रिटर्न होगा, उसका कट ऑफ आएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, है ना। देन अगर हम बात करें इसकी सिटीज, तो ये सिटीज आप एक बार देख लेंगे कहाँ कहाँ इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। प्लस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम जो आपका होने वाला है, आपका एग्जाम गाइज ऑनलाइन होगा, मीन्स आपका सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी। अगर हम स्पेसिफिकली कैटरिंग सुपरवाइजर की, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सभी पोस्ट का डिस्क्राइब कर रखा है, हम बात करेंगे कैटरिंग सुपरवाइजर की। यहाँ देखें गाइज, आपके जो कंपोनेंट है आपके एग्जाम के, रीजनिंग रहेगा 15 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल मार्क्स 15, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इसमें इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी 20 नंबर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर, और सबसे मेन डोमेन प्रोफेशनल मींस होटल मैनेजमेंट, अगर आपसे डिग्री मांगी हुई है क्वालिफिकेशन में, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसको बोलते हैं डोमेन, है ना। तो अब मैं डोमेन, तो जो मेरा कोर्स है राणा एजुकेशन पे, उसमें आपको ये सारा का सारा मटेरियल, इन सभी पे वीडियोस मिलेंगे, हर एक टॉपिक को वीडियो बना के समझाया गया है, प्लस हर एक टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसके मॉक टेस्ट मिले, है ना, ताकि आप इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। 2022 में हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको अभी आई बटन में दे देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, उस टाइम भी इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बहुत सारे बच्चों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया था। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/4 मीन्स 0.25 मार्क्स कटने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम को कैसे टैकल करते हैं वो भी हमें, वो उसके भी उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है कि आपने ऐसे एग्जाम्स में क्या करना होता है। ऐसे एग्जाम्स में हम कभी भी सारे क्वेश्चन को करके नहीं आते, जो हमें नहीं आते होते हैं हम कभी वहां पे गैस वर्क नहीं करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ओके, टेस्ट आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी सब कुछ बता दिया है इस एग्जाम से रिलेटेड, है ना। मेन हमने बात कर ली कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है, इस कोर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया। टाइम की अगर हम बात करें, आपको गाइस 2.3 मतलब 2.5 घंटा आपको मिलने वाला है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, सारे क्वेश्चंस आपके सामने खुल जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन पहले करना हो वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे, जहां पे मैंने ये कोर्स ऑलरेडी बना रखा है। सबसे पहले आपने जाना है मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे, ये उस एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज है। इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, उस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहां जाके उस वीडियो को देखो, इस ऐप को डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो। इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद गाइस आप सर्च में जाएंगे, है ना, यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट स्टोर में जाएंगे, है ना। स्टोर में जाके आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो आप सर्च करेंगे, ओके, तो आप यहाँ सर्च करेंगे केटरिंग, आप जस्ट केटरिंग लिखेंगे, गाइस कोर्स आपके सामने आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लेंगे, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर वन, आप इस कोर्स के गाइस कंटेंट में जाएंगे, ओके, ये कोर्स का हमारा थंबनेल है, आप इसके ऊपर कंटेंट में जाइएगा। यहाँ पे आप देखें, पहले ओपनिंग है, मींस आपको एक वीडियो दिखेगा, वहां पे आपको समझाया हुआ है एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। देन गाइज आपकी सैलरी एंड क्वालिफिकेशन जो इसमें बताई हुई है वो डिटेल में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देन हम आते हैं सिलेबस पे, तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा कि ओवरऑल सिलेबस क्या है, डोमेन सिलेबस क्या है ना। देन हम आते हैं स्टडी मटेरियल, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखें मैंने कहा था रीजनिंग है, आपका जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, कंप्यूटर नॉलेज है एंड डोमेन प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज है। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 8 वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो रीजनिंग के सबसे मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, अल्फाबेट, एनालॉगी, नंबर सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, इन सारे आप देखें, ड्यूरेशन देखें वीडियोज की, 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबको यहाँ पे समझाया हुआ है। देन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखें अल्फाबेट टेस्ट है, इसके 4 मॉक टेस्ट हैं, 4 मॉक टेस्ट मीन्स
एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट है, तो एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, मीन्स 100 क्वेश्चन तो ओनली एंड ओनली आपके एक टॉपिक के हो गए। प्लस ये मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही खुलेंगे आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके टैब पे या आपके कंप्यूटर पे, जैसे कि नवोदय आपका एग्जाम लेगा, है ना। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आपके सामने 20 क्वेश्चन खुलेंगे, वहां पे टाइमर चलेगा, आप में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में सबमिट करोगे, वहां पे आपके मार्क्स आएंगे कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, है ना। और गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग लगेगी, उतने मार्क्स माइनस होके आपके एक्चुअल मार्क्स आपको वो बताएगा। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किए गए हैं, इनका डेमो जो है अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, है ना, कि ये मॉक टेस्ट कैसे हैं, उसका डेमो आपको आई बटन में दिख जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि जितना भी इसमें मटेरियल है, तो इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वीडियोज हैं, चाहे मॉक टेस्ट हैं, चाहे पीडीएफ हैं, उन सब का डेमो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो रीजनिंग के सारे वीडियोज देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने सारे, अब देखें, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, इन सब के मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो मैंने आपको रीजनिंग का बताया, वैसे ही जनरल अवेयरनेस का है, वीडियोज, है ना, प्लस मॉक टेस्ट। वैसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, वीडियोज प्लस मॉक टेस्ट। वैसे कंप्यूटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डोमेन, क्योंकि डोमेन में आपका गाइज 60 नंबर का है। आप देखें, हमने डोमेन में आपका किचन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, 4 मेन डिपार्टमेंट्स कवर करने की कोशिश करी है। प्लस मॉक टेस्ट आप देखें, फूड साइंस, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज, फूड हाइजीन, इंडियन फूड एंड स्वीट्स, जितने भी आपका होटल मैनेजमेंट का जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी के वीडियोज, उन सभी के PDF नोट्स और उन सभी के बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके सामने ऑलरेडी आपको गाइस यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो गाइस ये हमारा स्टडी मटेरियल था, प्लस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी इसमें एक है ऑलरेडी, मंथ वाइज जीके आपको मिल जाएगा, एंड मोटिवेशन लर्निंग। तो मींस एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, है ना, आपको कहीं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप में थोड़ा सा IQ लेवल है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो कंटेंट आपके सामने दे रखा है, इसको खोलिए, इन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, है ना। मॉक टेस्ट लगाइए, रोज लगाइए गाइस, बहुत इजीली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और अपना सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी का सपना बहुत इजीली पूरा कर सकते हैं, है ना गाइस। ये रहा आपके सामने कोर्स, और मैंने आपको कंटेंट बता दिया है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। गाइज कोर्स की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, तो अभी हमारे सामने एग्जाम की डेट तो आई गेस नहीं आई है, तो अगर आप इस कोर्स को आज ज्वाइन करते हैं, तो अभी से लेके 6 मंथ्स तक आप इस कोर्स में बने रहेंगे, जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स तक रहेगी। अगर 6 मंथ्स में एग्जाम हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है, माना कि 7th मंथ में एग्जाम होता है, तब तक आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस सभी बच्चों की वैलिडिटी एग्जाम डेट तक बढ़ा दी जाएगी, दैट्स प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, है ना। 40 वीडियोज हैं, 21 फाइल्स हैं, 147 मॉक टेस्ट हैं इस पूरे कोर्स में। ओके, अब अगर हम बात करें प्राइस की, तो गाइज इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप यहां पे देख सकते हैं 999 है, ओनली 999, ये आपको दिख रहा होगा कोर्स का प्राइस लास्ट में, यहाँ पे सिर्फ 999 है, 999, 6 मंथ्स की वैलिडिटी, वो तो यहाँ पे एक ऑफिशियल वैलिडिटी है, हम ये कह सकते हैं 999 जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक इसमें वैलिडिटी, डोमेन जो 60 नंबर का आने वाला है उसको मिला के, बाकी जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं, सबके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको अप टू डेट रखा जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मैं आपको दिखाता हूं, 2022 में भी हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, और उस टाइम पे देखो स्टूडेंट्स, 67 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। ओके, और हमारे बहुत से बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन करके उनकी जॉब लगी भी थी। ऑलराइट, तो गाइस ये आपके लिए वीडियो है, आई होप मैंने आपके सारी ही क्वेरीज सॉल्व कर दी है केटरिंग सुपरवाइजर की। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके
आप कमेंट करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करो, इसको शेयर करो जिनको आप जानते हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और जो होटल मैनेजमेंट फील्ड से हैं, होटल मैनेजमेंट जिन्होंने डिग्री कर रखी है, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए एंड अपनी स्टडीज़ को बहुत जल्दी शुरू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।